ए गणे, क्या देख रहा है तू? मैं ये अजीब लग रहा हूं फनी? मालूम है तेरे को मैंने शराब क्यों पी है? नहीं मालूम ना, तो फिर क्यों देख रहा है तू? क्यों? मैं बताता हूं तेरे को, वाइफ प्रॉब्लम। अरे बीवी ठीक नहीं है मेरी, बीवी ठीक नहीं है मेरी। मालूम है जब किसी की बीवी अच्छी नहीं होती ना, तो वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म, ऐसा फिनिश, ऐसा बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। तेरी शादी हो गई? नहीं हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। नो शादी, आई एम अ बैचलर। क्या वो राधा है ना, बहुत अड़ियल दिमाग की है, एकदम गर्म दिमाग है उसका, इडियट। ओके ओके, मैं घर वापस आया थोड़ा गुस्से में, थोड़ा गुस्से में था। उसको डांट दिया मैंने उसको, तो उसने क्या किया, उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और घर छोड़कर चले गए। नो प्रॉब्लम। मैं गुस्से में, वो गुस्से में, दोनों फिटोस, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसको अगले दिन वापस आना चाहिए था ना, मेरे को सॉरी कहने के लिए वापस तो आना चाहिए था ना, मेरे को सॉरी कहने का चांस देना चाहिए था, नहीं? लेकिन नो, नहीं। वो अपने भाई के घर में जाके आराम से ऐसा बच गए। नो प्रॉब्लम। लेकिन एक फोन तो करना चाहिए ना अपने पति को, एक फोन तो करना चाहिए ना उसको। हम तो सेम घर में नंबर मालूम है उसको, फिर लेकिन वो सूरज को, वो एक मिनट, वो मेरी बीवी सूरज को दिन में चार चार, कभी कभी पांच बार फोन करती है, किसी को बताना नहीं प्लीज, लेकिन अपने पति को एक फोन नहीं करती है। अपने पति को एक फोन का क्या यार, चिट्ठी लिखती है मेरे को, चिट्ठी लिखती है, मैं दिल्ली में हूं, या हम दोनों ये क्या कलकत्ता में बैठ के बात कर रहे हैं? तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? सुनी रहा होगा, इतने लंबे लंबे कान है तेरे, सब सुनाई दे रहा है ना? गुड, थैंक यू। अरे तेरे पैर नहीं है यार, तेरे पैर नहीं है यार। अगर तेरे पैर होते ना, तो ये सब बातें जाके राधा को बता देता। पैर ही नहीं है तेरा, अब देख टेलीफोन पे बोल देगा प्लीज। हाथ भी नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ कानी कान है। कहाँ का घोड़ा यार तू बेटा? कैसे, क्या बोला तू? गोपाल बेटा। हाँ बोलो गोपाल बेटा। हाँ बोलना यार, क्या? मैं हूँ काका। बेटा मैं जाकर राधा को बोल दूँ तुम्हारे दिल की बात। क्यों? क्योंकि आपके पैर हैं। सुना ये घोड़ा, काका कह रहे हैं कि वो राधा को जाकर सब कुछ बता देंगे, क्योंकि उनके पास पैर हैं। आपके पास पैर हैं? हाँ। लेकिन आप घोड़े नहीं हैं। पर बेटा मेरे को कोई नसीहत देने की या हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैर है तो जाइए अपने बिस्तर पर पैर पसार कर सो जाइए। गो बेटा, बस।